हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डबल एसी ब्लॉक के बारे में दोस्तों अगर आप अपने घर में डबल एसी ब्लॉक इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले दोस्तों इस वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जिसमें मैं आपको एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी बताऊँगा दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं वीडियो में जो काम किया जा रहा है घर में वो डबल एसी ब्लॉक पे ही किया जा रहा है तो आप देख पाएंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों मार्केट में इसके साइज़ बहुत से आपको अवेलेबल हो जाएंगे चाहे वो चार इंची है आठ इंची है दस इंची है नौ इंची है तो जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आपको अवेलेबल हो जाएगा और इसकी लेंथ जो होती है वो छः सौ यानी दो फिट होती है तो जो मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों आपको ध्यान देना है हमेशा कि अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चाहे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं या जिसमें आपने कॉलम बीम दिए हैं जैसे उसको ही फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं तो उसमें तो आप इस्तेमाल करने की सोच सकते हैं लेकिन जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपने कोई बीम नहीं दिया है ना ही कोई कॉलम दिया तो वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ये चीज ध्यान रखना है दूसरी चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो बेस्टिज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है जब आपकी साइड पर यह आते हैं तो आपको ऐसी जगह अनलोडिंग करानी है जहां पर आप इसको सेफली रख पाएं और इजिली आपकी लेबर इस्तेमाल कर सके उसको उठा के अगर कहीं भी अचानक से टूटता है तो एकदम टूट भी जाता है साथ ही जो टूटने के कारण इसकी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो की ऐसी होती है कि आप उसको दीवार में फिर ज्यादा जॉइंट नहीं दे पाएंगे ठीक है तो फिर क्रैक आने प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों जो आप नॉर्मली घर बनाते हैं उसमें जो ब्रेक इस्तेमाल करते हैं वो आप देखें कि वहां पर कुछ समय बाद उसमें वाइट वाइट सा आ जाता है तो वो चीज जो एफ होती है वो मैंने ब्लॉक में थोड़ी कम देखी है तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ दोस्तों जो आप नॉर्मली घर बनाते हैं तो उसमें जो मसाला बनाते हैं आप उसमें रेत और आ, आपका जो सीमेंट होता है उसको मिला के आप ईट की चिनाई करते हैं लेकिन ब्लॉक से आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो केमिकल होता है एडेसिव केमिकल उसी से इस्तेमाल करें अगर आपको अच्छी बाउंडिंग और अच्छी मजबूती चाहिए तो, तो वहाँ आप ये चीज़ ध्यान रखें अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो दोस्तों जो हमारे गर्मी हो या जाड़े हो वहाँ पे टेम्परेचर रहता है या फिर वेदर को कंट्रोल करने के जैसा गर्मी है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है रूम में अगर आप नॉर्मल ईट इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों तो अगर आप बात करें तो जैसा ब्लॉक से अगर चिनाई करने की सोच रहे हैं फाउंडेशन में तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ आपको ब्रिक का ही इस्तेमाल करना है तो वहाँ आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जो स्ट्रेंथ आती है वो हमारी ब्रिक के हिसाब से कम होती है तो ये किसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेगेटिव पॉइंट की इसकी ये भी है कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि प्लास्टर में जो क्रैक आती हैं वो थोड़ी ज़्यादा आती हैं तो उसके जो रीज़न होते हैं वो थोड़े होते हैं। ये भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप ब्लॉक की चिनाई कर रहे हैं तो आपको हर एक चार फीट पर बैंड देने की ज़रूरत होती है लो वार कुछ नहीं देते हैं साथ ही दोस्तों आप इसकी जो दीवार की हाइट होती है वो भी ज़्यादा नहीं कर सकते तो वहाँ पर भी दोस्तों उसका निगेटिव पॉइंट हो सकता है और आपको जो ब्लॉक की चिनाई करते समय जो उसकी फिनिशिंग आती है वो थोड़ी स्मूथ होती है तो प्लास्टर करते समय वो इतनी पकड़ नहीं बना पाता है तो वहाँ भी थोड़े बहुत प्लास्टर झड़ने के क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं तो ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है तो ये देख के ही आप इसको इस्तेमाल करें साथ ही दोस्तों जो हमारी मेन पावर होती है जैसे मान लीजिए अगर आपके साइट पे काम करने वाला एक मिस्त्री कर रहा है एक लेबर है तो वो जो काम करने का एरिया होगा जो जितने वो एक दिन में काम कर लेंगे वो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल ब्रिक से आप काम कराते हैं तो एक मिस्त्री की बात करें तो वो डेढ़ स्क्वायर फीट मिनिमम कवर कर लेगा ब्लॉक पर अगर आप सीधी सीधी दीवार देते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं साथ ही अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की तो कॉस्ट देखा जाए तो सेम ही होती है ना ही ज़्यादा ब्रिक की होती है ना ही ज़्यादा और रेड ब्लॉक की होती है इन दोनों में इतना कंपैरिजन नहीं होता है नॉर्मल सेम ही होती है थोड़ा बहुत होता है देखा जाए तो तो ये दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि अगर आप ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखें काम करते समय भी आपको क्या ध्यान रख रखना है कैसे ध्यान कैसे काम कराना है ये सारी चीज़ें तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ इनके अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कर देना वीडियो छुपड़े को लाइक जरूर करना चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी करना साथ ही दोस्तों अगर आपको ए सी सी ब्लॉक सॉरी डबल ए सी ब्लॉक और साथ ही दोस्तों जो आ, हमारे नॉर्मली ब्रिक होती हैं उसमें कंपैरिजन जानना है या और ब्रिक से कंपैरिजन जानना है तो वीडियो में कमेंट कर देना मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा फॉर उसे वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो